हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल आज पीस पार्टी द्वारा कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्ण विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद यह फैसला किया है। पीस पार्टी जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि कुल इससे पहले 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है और सभी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने खारिज कर दिया था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार फिर साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी और इसी जीत के साथ नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़े फैसला लिया है जिसमें 3 तलाक धारा 370 को हटाना मुख्य रूप से आते हैं। लेकिन इसी के बीच IANSC वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें पूछा गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बदलना चाहिए कि नहीं, और इस पर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट नजर आती है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बदलना चाहते हैं, तो 71% लोगों ने कहा नहीं, जबकि 25% लोगों ने कहा कि हाँ बदलना चाहिए। सर्वे के अनुसार 3% लोगों ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार 6ठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2020 यानी कि मंगलवार को पेट्रोल का दाम में 16 पैसे और डीजल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं। इन 6 दिनों में पेट्रोल करीब 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपया प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए BJP अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 प्रत्याशी के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशी के नाम थे। इस प्रकार बीजेपी ने इस बार 67 उम्मीदवार मैदान में उतारी है। वहीं 3 सीटें पार्टी ने JDU और LJP के लिए छोड़ दी है। 2 सीटों पर JDU चुनाव लड़ेगी, वहीं 1 सीट पर LJP अपना प्रत्याशी उतारेंगी। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से सुनील यादव को CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि 2 के बाद तीसरा बच्चा पैदा करने वालों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, चौथा बच्चा हो तो उस बच्चे को मत अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पटना पहुंचे बाबा रामदेव ने राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों के सामने अपनी बात रखी है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कठोर कानून बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा करने से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि 16 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहीं पूरे देश में इसे 1 जून तक लागू कर दिया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में हो चुकी है और पूरे देश में इसे 1 जून तक लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है। पहले जिन राज्यों में शुरू किया गया है उनमें से आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल है। अगर आपने भी LIC पॉलिसी ली है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी LIC पॉलिसी डूब सकती है, आपकी गाड़ी कमाई भी डूब सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने ग्राहकों को होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है। LIC के मुताबिक ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन और लैंडलाइन पर कॉल करके भ्रमित किया जा रहा है। कुछ जालसाज LIC अधिकारी एजेंट या बीमा नियामक IRDA के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं। इन कॉल में इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार वे वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। दिल्ली के पूर्व राज्यपाल LG नजीब ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून में सुधार की जरूरत है। इस कानून में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए या फिर अन्य जो धर्म हैं उनको हटाया जाए। इसमें मुस्लिम को शामिल करते ही मामला खत्म हो जाएगा। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग ने यहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें कहा गया है कि रविवार को अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव लखनऊ के घंटा घर पर धरना दे रही महिलाओं के बीच पहुंची थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अब कहा गया है कि टीना ने धरने में हिस्सा नहीं लिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 14 साल की टीना घूमने के लिए निकली थी तो इसी दौरान प्रदर्शन कर रही कुछ लड़कियों ने उनके साथ फोटो ली थी।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है। पिछले दिनों में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के चलते गलन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन 8वीं तक के सभी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी है। सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल भी बंद रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों आज की न्यूज़ बस यहाँ से। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप नए आए हैं केडीबी इंडिया पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।